नाज़रीन टी टाइम न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़रीना अमान। देखते हैं आज की अहम खबरें। थाना सदर तलगंग के इलाका थोआ मैरम खान की ढोक हवापुरा में तल कलामी पर ढुनाल के ग्रुप का घर पर धावा, छुरी मारकर नौजवान को मार डाला। दूसरे फ्रीकैन ने लड़कों के ग्रुप को पकड़कर फायरिंग खोल दी। एक जाँ बहक मजमुई तौर पर फ्रीकैन के दो अफराद हलाक हो गए। मोटरसाइकिल तनाजे पर ढुनाल से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों के ग्रुप ने ढोक हवापुरा में 30 साल मुनीर अहमद वल नूर जमान साकिन हवापुरा को छुरी के पैर दर पैर वार करके शदीद जख्मी कर दिया, जिस पर मुनीर अहमद के अजीज व अकारब ने मुलजमान नौजवान को काबू कर लिया। इस दौरान मुनीर अहमद अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया, जिसकी इत्तला मिलने पर मकतूल मुनीर अहमद पार्टी के अफराद ने काबू किए गए नौजवानों में से एक नौजवान बिलाल सुहेल वल मोहम्मद बशीर सकना गांव ढुनाल को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाकया की इत्तला मिलने पर पुलिस थाना सदर तलगंग की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए THQ मुंतकिल कर दी, जबकि दोनों इतराफ से कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। तलगंग मियांवाली रोड पर वनहार गांव के करीब मियांवाली जाने वाला कंटेनर ब्रेक फेल होने की वजह से मुखालिफ सिम्त से आने वाली सुजुकी पिकअप और कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में सुजुकी ड्राइवर शौकत हयात वल मोहम्मद हयात सकना मियाल जख्मी हो गया, जिसे रेस्क्यू 112 ने THQ अस्पताल तलगंग मुंतकिल कर दिया। गाड़ी में सफर करने वाले दीगर मुसाफिर महफूज रहे। हादसे के बाद कंटेनर ड्राइवर मौके से फरार हो गया।